हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो है पेश है सेल बायोलॉजी में एक नया टॉपिक इस जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। इस एपिसोड में आप देखेंगे किस तरह से सेल के अंदर स्केलेटन बना हुआ है। तो कौन से सेल में स्केलेटन बना है? यूकैरियोटिक सेल में स्केलेटन है, और ये पूरा का पूरा जो स्केलेटन है वो प्रोटीन का बना हुआ है। एनसीईआरटी ने इसके लिए मात्र 3 लाइन लिखी हुई है कि इस यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के मैट्रिक्स में प्रोटीनियस स्केलेटन है जो सेल के साइटोप्लाज्म बड़ा हुआ है, जो सेल को सपोर्ट कर रहा है, जो सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है और जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। लेकिन हमारा इससे काम चलने वाला नहीं है, हम और डिटेल में पढ़ेंगे और सारी बातें करेंगे, क्योंकि तभी सारी कायनात खुश होगी। आइए देखते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है साइटोस्केलेटन के बारे में। पहली बात आप ये लिखें कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये हमेशा प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब आप ये बात क्लियर हो गई कि मतलब साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, पहली बात आप सेट कर लीजिए। और लोकेशन भी अगर आप ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल के ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरी बात अगर आप देखें तो इसका जो नेचर है, ये जो साइटोस्केलेटन है, ये जो नेचर है इसे प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस मतलब ये प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीनेशियस है। और अगर हम इसके टाइप की बात करें, सीधे काम की बात करते हैं, तो अगर आप टाइप की बात करें तो ये जो साइटोस्केलेटन है ये तीन तरह की चीजें हैं। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में तीन तरह की चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ना है, पहली बात पढ़नी है। दूसरी बात पढ़नी है आपको माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ने हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ने हैं। और तीसरी बात जो पढ़नी है आपको वो पढ़ने हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन तरह की चीजें हैं जो आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई पड़ेंगी और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये एनसीईआरटी ने इसके लिए 3-4 टर्मिनोलॉजी लिखी, उससे ज्यादा नहीं लिखी है। इवन एनसीईआरटी ने इन तीनों का नाम भी नहीं लिखा है। अगर आपको इनको सेल के अंदर देखना हो तो ये देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, यहां पर देखें ये इस सेल का ऐसे न्यूक्लियस बना हुआ है। और आप ये देखिए इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये धागा है जीवन का। और इसके अंदर दोस्त ये गोल गोल से स्ट्रक्चर है जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, प्रोटीन के बने हैं। क्या करते हैं, कैसे हैं, देखा जाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसे खास तरह के फिलामेंट्स पड़े हुए हैं जो इसके साइटोप्लाज्म को घुमाते हैं, फिराते हैं, उन्हें माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। और कुछ 60 साइज के साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर पड़े हैं, बहुत ही छोटी साइज के, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं, क्योंकि इन फिलामेंट्स की साइज इनके और इनके बीच में के बीच में होती है, इसलिए इनको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। आपको तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेनी है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले आइए हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स देखते हैं। अगर आप साइटोस्केलेटन देखते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में देखें, इसके बारे में आप लिखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अगर आप देखें तो ये हालो स्ट्रक्चर है, हालो स्ट्रक्चर है, मतलब ये खोखला होता है। आपको ये सेल में कब दिखाई पड़ेगा अभी आप समझ जाएंगे, हालो स्ट्रक्चर है। दूसरी बात अगर आपको लिखना होगा तो इसका काम है ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर सकता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। तीसरी बात अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखते हैं कंपोज्ड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी हुई है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है। आपको बहुत ही संभाल के सीखना है, इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है कि आप कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बने हैं, और ये जो प्रोटोफिलामेंट्स बने हैं ये बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, मतलब एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम ट्यूबुलिन प्रोटीन है, उसी ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये प्रोटोफिलामेंट्स बने हुए हैं। ये अगर आपको इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, आपको अगर दिखाना है तो आप ऐसे फिगर बना लीजिए, इस तरह से ऐसे गोला बनाइए, या ऐसे गिनती लिख लें 1 2 3
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यहाँ एक दो और तीन, ये ऐसे फिलामेंट की बना हुआ है। अगर आप इसको गोल कर ले थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये 13 प्रोटोफिलामेंट का, ये देख लें आप 13 प्रोटोफिलामेंट का ये स्ट्रक्चर है। इसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइक्रोटिब्यूल। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है ये, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये खोखला है, तो मैंने लिखा है हालो है, नॉन कॉन्टेक्टाइल है, मतलब ये कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप सेल के अंदर देखें तो ये माइक्रोट्यूबुल्स है जो ऐसे दिखाई पड़ते हैं इस तरह से। तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बने हैं, और इसमें जो एक प्रोटोफिलामेंट्स है अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ऐसे देखें आप, तो ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं ये अल्फा ट्यूबुलिन है, और दूसरी जो प्रोटीन है उसका नाम बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलके अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर बनाती हैं, अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर बनाती हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो सेल के अंदर ये गोले से स्ट्रक्चर पड़े हैं जिन्हें माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, जो अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर के बने हुए हैं, ट्यूबुलिन के हेट्रोडाइमर के बने हैं। अगर आप सेल के अंदर इसको देखें माइक्रोट्यूबुल्स की लोकेशन कहाँ पे है, तो माइक्रोट्यूबुल्स पाया जाता है सीलिया में, पहली बात आप देख लें, पहले पाया जाता है ये सीलिया में, फिर पाया जाता है ये फ्लैजला में, ये देखिए सीलिया में पाया जाता है, फ्लैजला में पाया जाता है, उसके बाद ये पाया जाता है सेंट्रियोल में पाया जाता है, सेंट्रियोल में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये इतनी लोकेशंस हैं जहां पर ये माइक्रोट्यूबुल्स पाई जाती हैं। अब आप इसको दूसरे तरीके से देखें, कभी भी अगर आप देखें तो सेल के अंदर अगर आप इसका फंक्शन देखना चाहते हैं, फंक्शन अगर आप माइक्रोट्यूबुल्स का देखना चाहें, तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो यह सेंट्रियोल यूकैरियोटिक सेल के एनिमल सेल में पाया जाता है। जब यह सेंट्रियोल आगे वेरीफाई होता है, क्लियर होता है, तो इससे वेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ये वेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और इस सेंट्रियोल से जब बेसल बॉडी बन जाती है तो इसी बेसल बॉडी से सीलिया का और फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है, सीलिया का और फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से वेसल बॉडी बनती है, वेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजला बनता है। सेल के अंदर आप कभी अगर आप देखेंगे तो ये जो ये सेंट्रियोल और वेसल बॉडी है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये देखिए 9 ट्रिपलेट प्लस 0, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप सीलिया और फ्लैजला का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट। मतलब अगर आप सेल के अंदर देखें तो आपको सेल के अंदर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। आपको ये जो डबलेट ट्रिपलेट सिंगलेट दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो माइक्रोट्यूबुल्स हैं। एक बार आप फिर से देख लें कि अगर ये जैसे सेंट्रियोल है, अगर ये सेंट्रियोल है तो सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है। तो सेंट्रियोल से किसका फॉर्मेशन होता है, वेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और वेसल बॉडी से किसका फॉर्मेशन होता है, सीलिया का और फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है, सीलिया का और फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन है 9 ट्रिपलेट प्लस 0। 9 ट्रिपलेट प्लस 0 का मतलब हुआ कि ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है इसका ट्रिपलेट यहां पर मिलकर बनाता है, इस जगह पे सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का। ट्रिपलेट समझना चाहे तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि सर ये एक माइक्रोट्यूबुल ये है, ये दूसरी माइक्रोट्यूबुल है, ये तीसरी माइक्रोट्यूबुल है, ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है। देखिए एक दो और तीन, ये तीन माइक्रोट्यूबुल्स है जो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी बनाती है। मतलब सेंट्रियोल और बेसल बॉडी को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें चाहिए माइक्रोट्यूबुल्स, ये बात सीखनी है आपको। और फिर आप देखिए सीलिया और फ्लैजला का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो लिख रहता है कि 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट, 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट। अगर आप इसे देखना चाहें तो डबलेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए ये एक माइक्रोट्यूबुल है और ये भी माइक्रोट्यूबुल है, ये ऐसे दिखाई पड़ेगी। सिंगलेट से करना चाहते तो ये माइक्रोट्यूबुल है, ये ए, तो ये जो माइक्रोट्यूबुल्स आप देख रहे हैं ट्रिपलेट है, डबलेट है, सिंगलेट है, ये सब क्या है, ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं। इसका मतलब सेल के अंदर सेंट्रियोल वेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजला बनाने का फॉर्मेशन जो काम करता है वो माइक्रोट्यूबुल्स करते हैं। ये बात आपको सीखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक काम इसका और है, कभी आप सेल के अंदर जब डिवीजन देखते हैं, ये देखिए
आप यहाँ पर ऐसे देखते हैं इस तरह से, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, और यहाँ बीच में सेंटर में इसके क्रोमोसोम होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नहीं देखा है तो हम आपको सिखाएंगे। इन फाइबर्स को हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स में ये जो ट्यूबुल्स हैं बेटा, इन्हें भी हम लोग माइक्रो ट्यूबुल्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर अगर स्पिंडल फाइबर बनना है, अगर सेंट्रियोल बनना है, बेसल बॉडी बननी है, सीलियो फ्लैजला बननी है, तो इस गोले का होना जरूरी है। इस सेल के अंदर जो साइक्लोसिस हो रही है, साइक्लोसिस माने क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। क्या हो रही है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है ये किसके कारण है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइए सर इसका कारण ये गोला है। इस गोले का नाम क्या है? माइक्रोट्यूबुल्स। ये है कॉन्सेप्ट, ये है आपको सीखना। बेटा देखो अब बोर्ड पे जो है आपको नेक्स्ट सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ाना है वो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल है। तो देखिए पहले आप दो टर्म है यहाँ लिखे एनसीईआरटी में, एक लिखा है सेंट्रोसोम एंड एक लिखा है सेंट्रियोल। तो पहले आप दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए अगर लिखा जाए कि एक सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या लिखा है, तो देखो ईच सेंट्रोसोम, अगर आप इसको क्लियर करना चाहें, ईच सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, ईच सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यह हुआ, सिंपल सी बात है कि एक जो सेंट्रोसोम है वो दो सेंट्रियोल का बना हुआ है, सिंपल सी बात है। तो एक सेंट्रोसोम कितने सेंट्रियोल्स का बना है? दो सेंट्रियोल्स का बना हुआ है। दूसरी बात लिख सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी देखें तो ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं, बोथ सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है एनसीईआरटी की लाइन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप ये देखें कि सेल के अंदर ये जो सेंट्रियोल है ये कितने पे हैं, तो आपसे पूछेगा कैसे अरेंज हैं, तो आप कहिए दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या डिफरेंस है। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, ये बात सीखना चाहिए। तो अगर आपको लिखना हो कि सेंट्रोसोम जो है बना है कितने सेंट्रियोल्स का? दो सेंट्रियोल्स का बना हुआ है। यही बात आपको लिखनी है। इन दोनों सेंट्रियोल्स को एक साथ मिला के अगर आपको और क्लियर करना है तो आप लिखिए इसे डिप्लोसोम कहते हैं। ये लिखा आपने। तो अगर आपसे कोई पूछे डिप्लोसोम क्या है, तो आप कहिए दो सेंट्रियोल्स को मिला के उन्हें हम लोग सेंट्रोसोम जो है डिप्लोसोम कहते हैं। अब यहां पर देखिए इस सेंट्रियोल का जो कॉन्फिगरेशन है वो 9 ट्रिपलेट + 0 है। ये भी बात देखनी है आपको। तो पहले मैंने आपको सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में डिफरेंस बताया, फिलहाल उसको हम बाद में देखते हैं। अगर आप इसकी डिस्कवरी देखें, किसने खोजा इसको, तो अगर आप इसकी डिस्कवरी देखते हैं तो ये देखिए, लिखिए सिंपल सी बात लिखिए कि डिस्कवर्ड बाई वेंडेन। एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम वेंडेन कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले सेंट्रोसोम कहा था, मतलब सेंट्रोसोम को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम वेंडेन है। दूसरा देखिए, एक साइंटिस्ट है वावेरी कहते हैं, वावेरी नाम उनका, वावेरी कार्ड इट सेंट्रोसोम। खोजा तो वेंडेन ने लेकिन वावेरी ने इसे सेंट्रोसोम कहा। अगर आपके मन में आए सेंट्रोसोम क्यों कहा, तो ये तारे जैसा दिखाई पड़ता है इसलिए इसको तारक काय कहते हैं। आपको ये इस बात परेशान कर रही होगी कि 9 ट्रिपलेट + 0 क्या है, अभी स्ट्रक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। पहले आप डिस्कवरी देख लें कि इसे वेंडेन ने खोजा और वावेरी ने इसे सेंट्रोसोम कहा। दूसरी बात आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रखनी याद करनी है कि ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल आर्गनेल है, मतलब सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल आर्गनेल है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल आर्गनेल है। अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, सेल के अंदर 3 सेल आर्गनेल है जो सेल्फ डुप्लीकेटिंग है। ये जो सेल आर्गनेल है इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका नाम क्लोरोप्लास्ट है और इनका नाम सेंट्रियोल है। दूसरी बात आपको याद करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट का चल रहा है। दूसरी बात आपको याद करनी है कि ये जो है
नेकेड सेल ऑर्गेनेल है, नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी भी तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, नेकेड सेल ऑर्गेनेल है, ये याद करना है। एक बात और आपको याद करना है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कार्ड व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, कार्ड व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी तीसरी बात है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट लिख दिया है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, तो इसलिए आपको इन चारों टर्मिनोलॉजीज को याद करना है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है, नेकेड सेल ऑर्गेनेल है, और कार्ड व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। कार्ड व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो आपको ये बात छोड़ देनी है। अब आपको इसकी, मैंने आपको बेसिक बात बताई, लोकी डिस्कवरी बताई, आइए सेल के अंदर इसकी लोकेशन देखते हैं। तो अगर आप सेल में इसकी अक्रेंस देख लें कि सेल में अक्रेंस कहाँ पे है, किस सेल में ये पाया जाता है, तो पहले आप इसकी लोकेशन देखें। कभी भी जब आप कोई सेल बनाते हैं, ऐसे आपने सेल बनाया, इस सेल के अंदर आपने न्यूक्लियस बनाया, तो ये देखिए ऐसे आप यहाँ न्यूक्लियस बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को आप सेंट्रियोल कहते हैं। ये देखिए सेंट्रियोल कहते हैं, और जब ये दो एक साथ 90 डिग्री होते हैं तो दोनों को मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है किस सेल में पाया जाएगा, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, साफ साफ लिखिए अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, सीधा लिखिए अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाएगा, लिख दिया आपने, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है किस सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस के बगल में पाया जाता है, तो आपको फ्री हो गया, आप तो भी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया ही नहीं जाता है, तो आपने लिखा अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल में भी देखें तो ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट है, लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निकल बातें आपको सीखनी है। अगर आपको यूकैरियोटिक सेल पूछे किस सेल में प्रेजेंट है, तो आप यहां पर भी कंफर्म कर लें कि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ये प्लांट सेल में अब्सेंट है, लिख दिया आपने कि प्लांट सेल में अब्सेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई बोलो एनिमल सेल पे क्या बात है, कहीं सर एनिमल सेल पे प्रेजेंट है, मतलब आप क्लियर हो गई बात इसकी पूरी, कि समझना है आपको इस बात को कि ये जो सेंट्रियोल जिसे आप सेंट्रियोल कह रहे हैं या सेंट्रोसोम कह रहे हैं, मैंने क्लियर कर दिया आपको, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है। और यूकैरियोटिक सेल में यहां पर भी देखें तो यूकैरियोटिक सेल में ये स्ट्रक्चर देखिए प्लांट सेल में अब्सेंट है, और सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में केवल पाया जाता है, न्यूक्लियस के बगल में पड़ा हुआ है। लोकेशन अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं लोकेटेड अराउंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बगल में रेकाओ लोकेटेड अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बगल में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेंट्रियोल जैसे जो स्ट्रक्चर इसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये रही अकरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल के प्लांट सेल में अब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल के केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है ये सेंट्रियोल, ये रही बेसिक बात। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक बेसिक बातें सबसे पहले आप देखें, स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं 9 ट्रिपलेट प्लस 0। ये जो ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है ये माइक्रोट्यूबुल्स है, मतलब जो सेंट्रियोल है वो माइक्रोट्यूबुल्स का बना है। माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो पढ़ा जाता है साइटोस्केलेटन में पढ़ा जाता है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो 9 ट्रिपलेट प्लस 0 का मतलब पहले आप समझें, सबसे पहले आप समझें कि डिप्लोसोम क्या होता है। तो डिप्लोसोम मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डिप्लोसोम किसे कहते हैं, दो सेंट्रियोल्स को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मतलब अगर आपको फिगर बनाना है एनसीईआरटी में, ऐसे कोई फिगर बनाना है तो आप देखिए एक सेंट्रियोल ये बना दीजिए, एक सेंट्रियोल ये बना दीजिए, दोनों को एक दूसरे 90 डिग्री पे से रख दीजिए यहां पर, और इनका नाम लिखिए, सर ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, और इन दोनों सेंट्रियोल को मिला के ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। ये देखिए ये दोनों कितने डिग्री पे हैं, मैंने आपसे बताया कि 90 डिग्री पर पड़े हुए हैं सेंट्रियोल। इसके बाद आपको देखना है कि मजूल्स क्या होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मजूल्स क्या होते हैं, किसे हम मेसूल्स कहते हैं, तो अगर आप सेल देख रहे हैं जैसे ये सेंट्रियोल है, इसके बगल में ये देखिए, इस सेंट्रियोल के बगल में खास तरह के एमार्फस पेरिसेंट्रियुलर क्लाउड है, देखिए एमार्फस
एमॉर्फस ऐसा क्लाउड है, पेरिसेंट्रियुलर क्लाउड है, जो एमॉर्फस पेरिसेंट्रियुलर क्लाउड है जिसे हम मजूल्स कहते हैं। अब आपको ये दो सेंट्रियोल है और दोनों सेंट्रियोल को मिला के क्या कहते हैं, दोनों सेंट्रियोल को मिला के हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। तो आपको ये जैसा दिखाई पड़ रहा ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। आपने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि सेंट्रियोल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 9 टिप्लेट प्लस 0, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां हमको ना 9 दिख रहा है, ना टिप्लेट दिख रहा है, ना 0 दिख रहा है। तो अब हम लोग इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात देखते हैं और देखते हैं सेंट्रियोल में 9 टिप्लेट प्लस 0 क्या है। अब बताए हाँ देखो, तो अब जो है आपको देखना है सेंट्रियोल क्या है। मैंने कहा सेंट्रियोल जो है, मैंने भी ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर आप इसका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, तो सेंट्रियोल में अगर आप देखें तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने लिखा है कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है, मतलब सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बाद जो सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप इसको देखें। सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात आप जान लें कि ये नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। नेकेड सेल ऑर्गेनेल मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं बेटा तो आप ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रखें किसी तरह की मेम्ब्रेन ऊपर न बनाए। तो अगर आपने एक ऐसे राउंड बनाया तो इस राउंड के बीचों बीच आप एक स्ट्रक्चर बनाए और इस स्ट्रक्चर का नाम आप हब रखें। ये हब है, ये हब का मतलब अगर आप ऐसे यहां लिख दें कि हब क्या है, तो आप हब लिखिए कि लोकेटेड इन सेंटर, प्रेजेंट इन सेंटर, ये सेंटर भी पड़ा हुआ है सेंट्रियोल के, प्रेजेंट इन सेंटर, ये सेंटर में पड़ा हुआ है इस सेंट्रियोल के, आपको ये लिखिए। और दूसरा लिखिए कि सर ये प्रोटीनेसियस है। जब आपने ये बात लिख दिया कि प्रोटीनेसियस है, प्रोटीन का बना हुआ है, दूसरा देखिए अगर आप इस सेंट्रियोल बना रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से 9 ऐसे स्पोक्स खींचनी है जैसे आप साइकिल चलाते हैं उसी तरह से स्पोक्स होती है। आप 9 ऐसे स्पोक्स बना लें, 3, ये देखिए 4, फिर यहां देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, फिर देखिए बेटा 6, ये 7, फिर ये 8, और ये देखिए 9। इस तरह से आपको 9 स्ट्रक्चर ऐसे रेडियल स्पोक्स बनाने हैं। ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 रेडियल स्पोक्स हैं, इन्हें हम लोग रेडियल स्पोक्स कहते हैं। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं आप यहां लिख लें कि सर ये रेडियल स्पोक्स हैं जो जो है हब से अराइज होते हैं, ये रेडियल स्पोक्स हैं, इनकी टोटल संख्या 9 है, ये भी जो है प्रोटीनेसियस है, मतलब प्रोटीन के बने हुए प्रोटीनेसियस है। ये देखिए अब आपको दो चीजें मिल गई, सेंटर में जो है उसे हब कहते हैं और ये जो किनारे स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम लोग रेडियल स्पोक्स कहते हैं। स्पोक्स माने तीलियां होती हैं, या ठीक साइकिल के रिम जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे साइकिल का पहिया होता है, इसीलिए इसको कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब किनारे किनारे की बात किया जाए, अगर हम लोग किनारे की बात करें तो आपको किनारे पढ़ना है कि इस सेंट्रियोल के किनारे आपको एक खास तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट है। आप ये बात समझे पहले, माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट क्या होता है। यहां पे सेल के किनारे किनारे अगर मैं यहां बना दूं तो ये देखिए ये माइक्रोट्यूबुल है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। इसी चीज को अगर आप वहां बनाना चाहें जैसे बना लें कि देखिए सर ये माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे करेंगे, ये हब है, आप समझे इस बात को, ये जो है रेडियल स्पोक्स है, कही बिल्कुल सही बात है, रेडियल स्पोक्स है। और अगली बात आपको जो ध्यान देना है ये देखना है कि ये माइक्रोट्यूबुल ए है, इसके बगल में ये माइक्रोट्यूबुल बी है और इसके बगल में ये माइक्रोट्यूबुल सी है। अगर आप इस बात को और अच्छे से क्लियर करना चाहें तो यहां क्लियर कर लें कि ये माइक्रोट्यूबुल ए है कंप्लीट, ये बी है और ये सी है, जिसमें ए वाला तो कंप्लीट है माइक्रोट्यूबुल, ये कंप्लीट है, लेकिन जो बी और सी वाले हैं वो इनकम्प्लीट है। आप देखिए वो गोले कंप्लीट नहीं है। इस तरह से आप देखें इसी स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट कहते हैं।
कि ये जो माइक्रो ट्यूबुल्स हैं ये किसके बने हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिए सर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये देखिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको ये देखना है तो माइक्रो ट्यूबुल ट्यूबलेट है, इनके यहाँ एक के सामने खास तरह की प्रोटीन पड़ी है, इस प्रोटीन का नाम डाइनिन है। अगर आप यहाँ देख ले ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस माइक्रो ट्यूबुल के पास एक खास तरह की प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम डाइनिन है। अगर आप दूसरा एक और देख ले तो इन माइक्रो ट्यूबुल ट्यूबलेट्स को अगर एक आप टोटल इसका स्ट्रक्चर देखे, एक और मैं बना दूं। ये देखिए ये रेडियल स्पोक्स है, ये रेडियल स्पोक्स है, ये माइक्रो ट्यूबुल ए है, ये माइक्रो ट्यूबुल बी है, ये देखिए, और ये माइक्रो ट्यूबुल सी है। और ये कौन सी प्रोटीन है अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो माइक्रो ट्यूबुल ए की सरफेस पे एक प्रोटीन है जिसका नाम डाइनिन है। इस डाइनिन की खास बात है कि इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम एटीपीएज है जो एटीपी को तोड़ के एडीपी प्लस फास्फेट पे कन्वर्ट कर देती है। ये देखिए तो अगर आपको बनाना है वही वाला फिगर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो इसी चीज को आप यहां बना दें। ये ट्रिपलेट है, इसकी सरफेस पे ये डाइनिन है, ये देखिए ए बी और सी, ये डाइनिन है। यहां देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पर डाइनिन है, फिर देखिए ए है, इसके पीछे बी है और सी है। इस तरह से आप देखिए ए बी और सी लगातार ऐसे आपको बनाते चले जाना है। ये माइक्रो ट्यूबुल्स के ट्रिपलेट्स हैं जो किनारे किनारे पड़े हुए हैं जिनकी संख्या 9 है। ये देखिए इस तरह से यहां पर देख ले ए है बी है और सी है, यहां पर ट्रिपलेट्स पड़े हुए हैं, ऐसे यहां पर भी है। और आप इस तरह से देखें किनारे किनारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये जो किनारे किनारे ऑर्गेनाइजेशन है ये माइक्रो ट्यूबुल्स के ट्रिपलेट्स हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि माइक्रो ट्यूबुल ट्रिपलेट्स की स्थिति क्या है, किनारे या सेंट्रल है, तो आप कहेंगे सर अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो लिखिए सर ये पेरिफेरल है। पेरिफेरल है मतलब इस सेंट्रियोल के किनारे किनारे पाए जाते हैं। दूसरा अगर आपसे मैं संख्या पूछूं कितनी है तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या 9 है। और एक बात आपको और समझनी है, क्रीमली मेनली आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझनी है। इसका ए इसके सी से कनेक्ट है इस तरह से ऐसे, या यहां पर आप देख लें इसका ए इसके सी से ऐसे कनेक्ट है। तो जो इसका ए है और ये इसका सी है, ये जो कनेक्ट है इस लिंकर का नाम एसी लिंकर है। मतलब एसी लिंकर क्या करता है, अगर आपको इसका डिटेल लिखना हो तो आप ऐसे यहां पर लिखिए कि एसी लिंकर क्या करता है, ऐसे लिखिए एसी लिंकर क्या करता है। तो एसी लिंकर का आपको अगर कॉन्सेप्ट लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए कि इट कनेक्ट माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स, माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स। ये देखिए माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स को ये कनेक्ट करता है। तो मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रिपलेट्स ऐसे किनारे किनारे 9 है, 9 डंडे में बीच में एक सेंटर में हब है। अगर आप इसका फंक्शन देखें कि माइक्रोट्यूबुल का फंक्शन क्या है तो आपको सिंपल समझना है। देखिए फंक्शन में लिख रहा हूं, फंक्शन में समझना है कि ये देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है तो आप इसे लिखिए, देखिए सर सेंट्रियोल जो होता है आगे चल के सेल के अंदर सेंट्रियोल जो है कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रियोल जो कन्वर्ट हो जाता है ये सेंट्रियोल जिसका कॉन्फिगरेशन 9 ट्रिपलेट प्लस 0 है ये कन्वर्ट हो जाता है वेसल बॉडी में। ये देखिए बेसल बॉडी में, और बेसल बॉडी से रिलीज होती है एराइज होती है सीलिया और फ्लैजला। अगर आप इसी को फिगर में देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख लें यहां पे ये सेल है, आप ऐसे देख लीजिए ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियोल है, और यही सेंट्रियोल मूव करके किनारे चला जाता है, इसका नाम बेसल बॉडी हो जाता है, इसे सी से सीलिया और फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है। मतलब सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनती है, बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजला बनती है, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनती है ध्यान रखना है, और जरूरत पड़ने पर बेसल बॉडी से सेंट्रियोल का भी फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप देखें तो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का जो कॉन्फिगरेशन है वो है 9 ट्रिपलेट प्लस 0, ये कॉन्फिगरेशन है इसका। और इसका जो कॉन्फिगरेशन है सीलिया और फ्लैजला का जो कॉन्फिगरेशन है वो कॉन्फिगरेशन है 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट का कॉन्फिगरेशन, 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट का कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान रखना है आपको कि सेंट्रियोल जरूरत पड़ने पर बेसल बॉडी बन जाएगा, बेसल बॉडी से सीलिया फ्लैजला का फॉर्मेशन होगा। दूसरा एक बात और देख ले बेटा, ये एनिमल सेल्स में हेल्प सेल डिवीजन
helps insult vision. जो help in cell division, एनिमल सेल में जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें सेंट्रियोल मदद करता है. कैसे करता है आप देखे, हेल्प इन सेल डिवीजन. देखिए ये सेल है, ये सेंट्रियोल है, यहां पर आप देखिए ऐसे. जब सेल को डिवीजन में जाना होता है तो ये देखिए सेल क्या करती है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लगता है, इसका जो सेंट्रियोल है वो डबल हो जाता है और सेंट्रियोल डबल होकर दो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है. इसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है इस तरह से. और फाइनली क्या होता है, आप सीधे फाइनली देखें, फाइनली ये होता है कि ये देखिए फाइनली ये होता है कि एक सेंट्रियोल सेल के इस तरफ, एक सेंट्रोसोम सेल के इस तरफ, बीच में ऐसे क्रोमोसोम और इन्हीं क्रोमोसोम में ये देखिए ऐसे ये अरेंज हो जाता है. इस तरह से सेल जो है सेल के डिवीजन में ये मदद करता है सेंट्रियोल, क्योंकि ये सेल के डिवीजन में मदद करता है सेंट्रियोल, सेल के डिवीजन में मदद करता है, इसीलिए इस सेंट्रियोल को हम लोग कभी कभी सेल सेंटर कहते हैं. बाय द वे अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना है नेकेड स्लार्कनेल है, 9 ट्रिप्लेट प्लस 0 ऑर्गेनाइजेशन है, दो बड़े फंक्शन है. सेंट्रियोल से वेसल बॉडी बनती है, वेसल बॉडी सिलिया और फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा है एनिमल सेल में सेल डिवीजन में मदद करता है. कभी कभी लोग इसे सेल की मंथरा भी कहते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको. बेटा देखो सिलिया और फ्लैजला देखना हम लोगों को, सिलिया और फ्लैजला में क्या क्या कहा कैसे क्या है. तो सबसे पहले अगर आप सिलिया और फ्लैजला देखते हैं तो सिलिया में आप ये देखिए कि सिलिया और सिलियम में क्या फर्क है. तो अगर आप सीलिया लिखते हैं तो ये प्लूरल है, पहले आप ये समझ लें. लेकिन अगर आपने सीलियम लिखा, सीलियम लिखा तो ये सिंगलर है. मतलब अगर एक है तो उसे सीलियम कहेंगे और एक से ज्यादा है तो उसे सीलिया कहेंगे और एक है तो सीलियम कहेंगे. इसी तरह से आप फ्लैजला में देख लें, अगर आपने फ्लैजला लिखा बेटा, फ्लैजला आपने लिखा तो फ्लैजला क्या है, सिंगलर है, ऐसे लिख लीजिए. लेकिन अगर आपने फ्लैजलम लिखा, सॉरी अगर आपने फ्लैजला लिखा तो ये प्लूरल है. लेकिन अगर आपने इसे फ्लैजलम लिखा, फ्लैजलम लिखा तो ये प्लूरल, ये सिंगलर है. ये देखिए तो आपको सीलिया सीलियम, फ्लैजला फ्लैजलम में डिफरेंस आना चाहिए. पहली बात आप समझ लें. दूसरी बात आप देखें कि इन्हें हम लोग सेलुलर अपेंडेजेस कहते हैं, सेलुलर अपेंडेजेस कहते हैं, सेलुलर अपेंडेजेस कहते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है. ये देखिए आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा गया है तो सेलुलर अपेंडेजेस हैं. अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसे हम 9+2 से रिप्रेजेंट करते हैं. इस 9+2 का मतलब यह हुआ कि इसका ऑर्गेनाइजेशन है 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है सीलिया और फ्लैजला का. अगली बात आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी कहती है कि देखिए सीलिया एंड फ्लैजला, लोकेशन देख रहे हैं हम लोग, सीलिया एंड फ्लैजला, फ्लैजला इज प्रेजेंट इन, सीलिया एंड फ्लैजला इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सीलिया एंड फ्लैजला इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मतलब सीलिया और फ्लैजला आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाएंगी. तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है अगर आप देखें, बट दे आर ध्यान रखेंगे इसका, जो मैं आप लिख रहा हूं एनसीईआरटी आपको ध्यान रखना है, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों पाए जाते हैं लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. मतलब सीलिया और फ्लैजला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है ये देख लिया जाए. तो अगर मैं आपसे कहूं कि यह है सीलिया और मैंने यहां लिखा फ्लैजला, लिख दिया मैंने, अभी इसका फिगर भी हम लोग देख लेंगे, सीलिया ये फ्लैजला है. अगर आपको ये इसका डिफरेंस देखना है पहले आप इसको लिख के देख लें कि प्रोकैरियोटिक सेल में, यहां पर मैंने लिखा भाई देखे ये प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब बैक्टीरिया वगैरह में,
और दूसरा आपने लिखा कि यूकैरियोटिक सेल में। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में इसका डिफरेंस देख लें तो क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में पहला डिफरेंस यह है कि नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोट्यूबल्स का, नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है। पहली बात आप ये देख लें। और दूसरा, ये जो सीलियो फ्लैजला है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये बना हुआ है फ्लैजलिन प्रोटीन का, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको ये बात समझनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट ऑर्गेनाइजेशन अब्सेंट है सीलियो फ्लैजला का, और वहां पर जो सीलियो फ्लैजला बनी है वो एक खास तरह की प्रोटीन बनी है जिसका नाम है फ्लैजलिन प्रोटीन की बनी हुई है। अब आप इसका यूकैरियोटिक सेल में देखें, अगर आप इसे यूकैरियोटिक सेल में सीलियो फ्लैजला देखते हैं तो ये देखिए नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। और यहां पर ये जो बनी हुई है, ये जो सीलिया और फ्लैजला है, ये बनी है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, कंपोज्ड ऑफ खास तरह के प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम ट्यूबुलिन है। ये देखिए, तो अगर आप साफ साफ देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया वगैरह में ये जो सीलिया और फ्लैजला बनी है वो फ्लैजलिन की बनी है, वहां नाइन प्लस टू ऑर्गेनाइजेशन अब्सेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रेजेंट है, और वहां पर ये जो बनी है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है। तो अब यह रही बेसिक बात कि सीलिया और फ्लैजला जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस किसका है। देखने में तो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैंने ये बात आपके अच्छे से क्लियर कर दी है और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आप अगली बात देखें, अगर आपको अगली बात देखनी है तो आप जब सीलिया स्ट्रक्चर का देखिए, सीलिया और फ्लैजला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सीलिया और फ्लैजला बनाना है तो उसके ऊपर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी। एक चीज आप अच्छे से जानते हैं, कोई लिखने का मतलब नहीं है, ऐसे लिख देता हूं, फ्लैजला इज लार्जर देन सीलिया। मतलब फ्लैजला जो होता है वो सीलिया से साइज में बड़ा होता है। अगर आप इसको फिगर से देखना चाहें बहुत आसान सी बात है, अगर आपने कोई ऐसे सेल बनाई है इस तरह से और आपने इसे स्ट्रक्चर बनाई तो ये क्या है, ये फ्लैजला है। लेकिन अगर आपने एक सेल ये बनाई और इसमें आपने न्यूक्लियस बनाया और आपने यहाँ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बना दिए तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इसे हम लोग कहते क्या है, सीलिया कहते हैं। मतलब सीलिया छोटी साइज का है, फ्लैजला बड़ी साइज का है, ये बेसिक बात है। लेकिन आपको ध्यान इस पॉइंट पर रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सीलिया और फ्लैजला तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप सीलिया और फ्लैजला के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सीलिया और फ्लैजला के स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात यह है। देखें आप स्ट्रक्चर, पहले आप यहां लिख लें कि इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। एनसीईआरटी ने इसका फिगर बनाया हुआ है। मतलब आपको अगर एनसीईआरटी अच्छे समझनी है तो एनसीईआरटी ने इसका फिगर बनाया हुआ है, फिगर मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें। कभी भी सीलिया और फ्लैजला बनाते समय आप अगर सीलिया और फ्लैजला बनाने का सोच रहे हैं तो ये देखिए, सबसे पहले आप सीलिया और फ्लैजला में आउटर बाउंड्री क्लियर करें कि इसके ऊपर आपको ये मेम्ब्रेन पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ध्यान रखें जब आप सेंट्रियोल बनाते हैं तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखाई पड़ती है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर आप इसके यहां देखें सेंटर में, मतलब इस सीलिया और फ्लैजला के सेंटर में आप इसे देखें, ये दो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, एक का नाम आप लिख लीजिए ए है और दूसरे का नाम आप लिख लीजिए बी है। ये दो माइक्रोट्यूबुल्स सेंटर में पड़ी हुई हैं और इन सेंटर में पड़ी हुई माइक्रोट्यूबुल्स को ऐसे कनेक्ट करने वाली खास तरह की प्रोटीन है जिसे हम लोग नेक्सिन प्रोटीन कहते हैं। तो अगर आप सेंटर में देखें, इसके सेंटर में देखें तो ये देखिए माइक्रोट्यूबुल्स के सिंगलेट हैं, ये देखिए सिंगलेट है जिनकी संख्या दो है। ये बात आपको सीखनी है।
इसके बगल में अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से एक खास तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इनकम्प्लीट है। ये देखिए, ये ऐसे खास तरह के स्ट्रक्चर बना हुआ जो इनकम्प्लीट, ध्यान रखिए ये इनकम्प्लीट है। अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो आप ऐसे यहां पर लिखिए कि सर ये सेंटर में पड़े हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स के सिंगलेट है, ये लिख लीजिए। और इनको जो जोड़ने वाली प्रोटीन है, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इस प्रोटीन का नाम नेक्सिन है, जो ए और सी को, ए और बी को जोड़ती है। ये सिंगलेट है, ये सिंगलेट है जिसे आपने ऊपर टू सिंगलेट लिखा है। जो आपने ये टू सिंगलेट लिखा है इसका मतलब ये हुआ। अब बचा क्या, अब बचा नाइन डबलेट। तो अगर आप डबलेट बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है। आप एक काम करें, इनके बगल बगल में ऐसे रेडियल स्पोक्स खींच दें, एक यहां, दो यहां, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। तो अगर आप इनके नाम लिखना चाहें ऐसे आप नाम लिख दीजिए, इनके नाम क्या हैं। अगर आपको इनके नाम लिखने हैं तो आप देख लीजिए कि इनका नाम रेडियल स्पोक्स है। इन रेडियल स्पोक्स की टोटल संख्या नौ है, चाहे आप देख लें मैंने नौ ही बनाया है। ये रेडियल स्पोक्स है जिनकी संख्या नौ है, आपने बना दिया और ये आपने नेक्सिन लिखा है। अगर आपको इनका नाम लिखना है तो आप यहां नाम भी लिख दीजिए कि सर ये इसका नाम है, इसका नाम है रेडियल स्पोक्स। ऐसा आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा, कहां पे, सेंट्रोल में भी आपको देखने को मिलेगा। अब आपने ऐसा बना दिया, अभी फिगर अच्छा नहीं लग रहा, अब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अब आप एक काम करें, अगर आपको यहां पर और तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो यहां पर देखें, या आप यहां ऐसे बना लें, ये रेडियल स्पोक्स है, बोलो हाँ सर ये रेडियल स्पोक्स है। और इस रेडियल स्पोक के सिर पे यहां पर देखिए, ये माइक्रोट्यूब्यूल ए है और इसके बगल में माइक्रोट्यूब्यूल बी है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ए और बी जो है, इनके सिर पे कौन सी प्रोटीन है, अभी मैंने बताया डाइनिन है। इस तरह से आप यहां चाहे देख लें, ये ऐसे रेडियल स्पोक्स है, यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल ए है, इसके पीछे माइक्रोट्यूब्यूल बी है और इसकी सरफेस पे ये डाइनिन प्रोटीन है। तो यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल कौन सी कंप्लीट है, यहां कंप्लीट ए है और बी इनकम्प्लीट है। इस तरह से आप देखें तो इस सीलियर फ्लैजेला की सरफेस पे यहां पर ये देखिए, ये माइक्रोट्यूब्यूल ए है, इसके पीछे ये बी है, इसकी सरफेस पे खास तरह की प्रोटीन डाइनिन है। ये ए है, इसके बी है, यहां पर डाइनिन पड़ी है। ये ए है, इसके पीछे बी है, यहां पर डाइनिन पड़ी है। जैसे यहां पर भी ए है, इसके सरफेस पे बी है, यहां डाइनिन पड़ी है। ए है, बी है, इसकी सरफेस डाइनिन पड़ी है। ए है, फिर बी है, फिर डाइनिन पड़ी है। ऐसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से आपको डबलेट्स कितने दिखाई पड़ रहे हैं, गिन डालिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, नौ माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट किनारे किनारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपको लिखना हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट कितने हैं, अगर आपको यह बात लिखनी हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट कितने हैं, तो डबलेट कितने हैं बहुत आसान है। आप कहेंगे सर माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट की संख्या टोटल नौ है, सेंटर में है, किनारे किनारे, किनारे किनारे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है नाइन डबलेट, ये डबलेट है। प्लस आपने क्या लिखा है, टू सिंगलेट। मैं अगर आप पूछूं कि सिंगलेट कहां पे है तो आप कहेंगे सर सेंटर में है। मैं अगर आपसे पूछूं ये माइक्रोट्यूब्यूल का नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, बी है, और मैं आपसे कहूं बेटा इससे देखिए खास तरह के लिंकर हैं जो इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए ए को बी से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूंगा तो कहेंगे अरे सर जैसे आप सेंट्रोल में कह रहे थे ए सी से कनेक्ट कर रहा था तो उसे ए सी लिंकर कह रहे थे, ऐसे यहां ए से बी कनेक्ट कर रहा है तो आप इसका नाम लिख दीजिए ना कि सर इसका नाम ए बी लिंकर है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ए बी लिंकर नाम है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से ये है सीलियर फ्लैजेला का फंक्शन स्ट्रक्चर, ऐसे दिखता है सीलियर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करना है तो ये जो क्लियर है इसे किनारे क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल क्या बेटा, डबलेट नाम देंगे। डबलेट किनारे हैं ये देखिए, और सिंगलेट जो है सेंटर में है। इस तरह से आप सीलियर फ्लैजेला का फंक्शन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो नौ डबलेट है किनारे किनारे, दो सिंगलेट है बीच बीच में, डबलेट को जो कनेक्ट करता है उसे ए बी लिंकर कहते हैं, सिंगलेट को जो कनेक्ट करता है उसे हम लोग नेक्सिन कहते हैं। यह है सीलियर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर।
देखो बेटा सील और फ्लैजला में डिफरेंस देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखना है। तो अगर आप देखें तो आप लिखिए कि सीलिया जो होता है वो स्मॉलर इन साइज है, मतलब सीलिया की जो साइज है वो छोटी होती है। ये देखिए, अगर आपको इसको लिखना है तो लार्जर इन साइज, ये जो फ्लैजला होता है इसकी साइज बड़ी होती है। ये देखिए, अगर आपको इसका फिगर दिखाना होता है ऐसे आप यहाँ बना दें, छोटा छोटा जो दिखाई पड़ता है ये सब सीलिया है ये। लेकिन अगर आपको फ्लैजला दिखाना होगा तो आप ऐसे सेल दिखाएंगे और ऐसे आप दिखाएंगे सर ये फ्लैजला है। तो किसकी साइज बड़ी है? फ्लैजला की साइज बड़ी है और सीलिया की साइज छोटी है। ये पहला डिफरेंस हो गया, साइज का डिफरेंस हो गया। दूसरा देखिए, अब अगर आप इनकी संख्या देखिए, संख्या सिंगल ऑब्लिक ट्विन नंबर, ये ज्यादातर सिंगल होता है या कभी कभार संख्या में दो होता है फ्लैजला। ये देखिए न्यूमरस इन नंबर, जो सीलिया होता है इसकी संख्या ढेर सारी होती है। आप देखिए ये खूब सारा संख्या है, ये इसका जो बिहेवियर है ओवर लाइक स्ट्रक्चर है, ओवर लाइक बिहेवियर है, ओवर लाइक है। ओवर लाइक मतलब क्या हुआ? ओवर लाइक मतलब ये हुआ कि जैसे वो नाव में पतवार चलती है उस तरह से सीलिया बीट करती है, मतलब आप कह सकते हैं कि बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। जब सीलिया फ्लैजल मूवमेंट करती है तो सारी की सारी सीलिया एक साथ बीट करती है, तभी सेल का मूवमेंट होगा ना भाई। भाई एक सीलिया इधर मूव करे उधर मूव करे मूवमेंट ही नहीं होगा। नाव में सब लोग पतवार लेके ऐसे ऐसे चल रहे हैं, सब एक तरफ मारेंगे तो जब नाव इधर पतवार मारेंगे तभी तो नाव आगे जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर बीट करती है, लेकिन आप इसको देखें ये इसका इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इसका ध्यान रखना है। इसका किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फ्लैजला इंडिपेंडेंटली मूव करता है। फंक्शन में अगर देखा जाए तो सीलिया का दो फंक्शन है, अगर आप देखें तो एक तो ये मूवमेंट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल, अगर आप देखें इसका है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल, पहला काम है मूवमेंट ऑफ सेल, पहला मूवमेंट ऑफ सेल में मदद करती है, और दूसरा मूवमेंट अराउंड सेल करती है। दो चीजें आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है, एक तो ये सेल का मूवमेंट करती है और दूसरा मूवमेंट अराउंड सेल करती है, मतलब सेल के आसपास भी मूवमेंट और सेल का भी मूवमेंट करती है ये। और ये क्या करता है? सिर्फ हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल, ये केवल सेल का मूवमेंट करता है। फर्क है दोनों में, आपको इन दोनों फर्कों को सीखना है, मतलब आप एक बार फिर समझ लें, ये सेल के आसपास की चीजों को और सेल को मूवमेंट में मदद करती है, जबकि ये सेल के केवल मूवमेंट में मदद करती है। फाइनल अगर आप फंक्शन देखें, अगर आप सीलिया फ्लैजला का फंक्शन देखें तो सिंपल सी बात है। देखिए फंक्शन देखिए, पहला है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल, दोनों सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं, कोई भी सेल हो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल। एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए ह्यूमन स्पर्म, इसके मूवमेंट में फ्लैजला मदद करता है, ये ह्यूमन स्पर्म, इसमें क्या पाया जाता है? अगर आपको पता होगा तो इसमें फ्लैजला पाया जाता है, ये इसके मूवमेंट में मदद करता है। पैरामीशियम में जो मूवमेंट होता है, पैरामीशियम में जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को सीलिया जो है कंट्रोल करता है। तो पहला हो गया मूवमेंट ऑफ सेल। दूसरा देखिए, सीलिया फ्लैजला की अगर ओरिजिन की बात किया जाए तो मैंने बताया था कि सेंट्रियोल से किसका फॉर्मेशन होता है? वेसल बॉडी का, वेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए। और वेसल बॉडी से किसका फॉर्मेशन होता है? सीलिया का, और किसका? फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है। ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी, फिर से बता रहा हूं, आपको सीखना है, ध्यान रखना है। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 9 डबलेट प्लस 0 है, जबकि इनका कॉन्फ़िगरेशन 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट है। अगर आप सेल के हिसाब से देखते हैं तो ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये है सेंट्रियोल। जब इसको बेसल बॉडी बनना होगा तो स्थिति क्या होगी? देखिए सेल का ये जो सेंट्रियोल है ये मूव करके किनारे जाएगा, इसका नाम बेसल बॉडी हो जाएगा, और इसी बेसल बॉडी से बड़े बड़े स्ट्रक्चर निकलेंगे, इन्हें हम लोग फ्लैजला कहेंगे, ये बात आप सीखिए। और इसी सेल से अगर ढेर सारे बेसल बॉडी बन जाए और छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं तो हम इसे सीलिया कहते हैं, ये ध्यान रखें। ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसे हम लोग वेसल बॉडी कहते हैं,
ध्यान रखना इसका, जरूरत पड़ने पर जैसे ये सेंट्रियोल बेसल बॉडी में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही जरूरत पड़ने पर ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से सेंट्रियोल जो है, ये जो सीलियर फ्लैजला है, ये दोनों का डिफरेंस हो गया और ये इनका जनरल फंक्शन हो गया।